وشو الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک الملک ہے جو رب العرش العظیم ہے جو احکم الحاکمین ہے جو رب العالمین ہے جو علا کل شئن قدیر ہے اور اسی سے دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما محمد عربی رحمت للعالمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے اس کو ہمیں اور آپ کو بہت غور سے سننا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پر ہمارا عمل کتنا ہے. بہت چھوٹی سی ایک بات ہے, میں نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے, اس آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. زندہ قوموں کو جھنجھوڑا ہے اور زندہ انسانوں کو جھنجھوڑا ہے, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ دنیا بہت خطرناک ہے, انتقام لیتی ہے. بہت چھوٹا سا جملہ ہے بس, تم جو کرو گے اور جتنا کرو گے تمہیں اتنا ملنا ہے. میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اور جیسا کرو گے اس کا انعام تمہیں ویسا ہی ملنا ہے. اچھا کرو گے تو اچھا, برا کرو گے تو برا. ہاں, اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کل تک کچھ نہیں تھا اور آج اچانک کروڑوں کا مالک ہے. ہمارے سامنے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے, آپ اپنے علاقے سے باخبر ہیں, ہم اپنے ایریے سے باخبر ہیں. کل تک کچھ نہیں تھا, آج کروڑوں کے مالک ہیں. تو یہ چیز بھی عبرت کے لیے ہے, اگر انہوں نے یہ ساری چیزیں محنت سے حاصل کی ہیں تو ٹھیک,
और अगर मेहनत से हासिल नहीं की हैं तो इसी दुनिया में तुम उनकी बर्बादी भी देखोगे, क्योंकि जहां से कमाया है वो खर्च भी उसी जगह पर होगा। अगर रास्ता गलत था तो उसका खर्च भी गलत तरीके पर होगा। ऐसे हालात पैदा कर देगा अल्लाह ताला कि वो जो गलत तरीके से और धोखे से जो तुमने कमाया था वो गलत तरीके से और धोखे से वो जाएगा भी। इसलिए उनको देखकर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं कि कल तक तो कुछ नहीं था आज अचानक। ये एक उसूल है, एक जाप्ता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे भी। दो कानून होते हैं, याद रखिएगा, एक है कानून शरीयत और एक है कानून फितरत, लॉ ऑफ नेचर। मैं जो चीज बताने और समझाने जा रहा हूं पता नहीं आपकी समझ में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आज समझने की कोशिश कीजिएगा। कानून शरीयत के अंदर रहम है लेकिन कानून फितरत के अंदर रहम नहीं है। लॉ ऑफ नेचर रहम नहीं करता है। अगर आपने आज अपने बाप को मारा है तो कल आपकी औलाद भी आपको मारेगी। ये लॉ ऑफ नेचर है जो माफ नहीं करता है। बाप को मारा, बाप को रहम आ गया, बेटा है मेरा, माफ कर दिया। बाप के माफ करने के बाद शरीयत भी माफ कर देती है, अल्लाह भी माफ कर देगा, लेकिन नेचर माफ नहीं करती है, फितरत माफ नहीं करती है। ये दुनिया का निजाम है और ये चला आ रहा है। कारून के अंजाम को देखो, फिरौन के अंजाम को देखो, लॉ ऑफ नेचर से ही मजबूर होकर ये सब तबाह हुए, बर्बाद हुए। हिटलर जैसा शख्स भी लॉ ऑफ नेचर ही की वजह से बर्बाद हुआ। अगर आज बूढ़ा होने की वजह से अपनी मां को आपने घर से निकाला है तो याद रखिएगा आपका बड़ा बेटा भी आपको आपके घर से निकालेगा। मां भले ही माफ कर दे, अल्लाह भले ही माफ कर दे, कानून शरीयत में रहम हो सकता है लेकिन कानून फितरत में, लॉ ऑफ नेचर में रहम नहीं है। अगर आपने किसी को धोखा देकर पैसा कमाया है तो आपको भी धोखा दिया जाएगा, ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर आपने किसी पर जुल्म किया है तो लॉ ऑफ नेचर है, फितरत का कानून है कि आपके ऊपर भी जुल्म किया जाएगा, आप इससे बचेंगे नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अच्छे काम में कोशिश करोगे अच्छा इनाम देखोगे, बुरे काम में कोशिश करोगे बुराई को काटोगे भी। और ये उसूल है, ये हदीस है, और ऐसी वैसी हदीस नहीं है, बुखारी की हदीस है। दुनिया में इंसान अपने किसी भी गुनाह का अंजाम इस दुनिया में पाए या ना पाए, लेकिन एक गुनाह की सजा वो इस दुनिया में पा कर रहेगा, और वो है अपने माँ और बाप दोनों को रुलाना, माँ और बाप को सताना। अगर आपकी वजह से आपके बाप के आंखों में आंसू आए, अगर आपकी वजह से आपकी माँ के आंखों में आंसू आए, अगर आपकी वजह से आपको के बाप को और आपकी माँ को तकलीफ हुई है, आपने इस दुनिया में अपने बाप और अपनी माँ का दिल दुखाया है, तो काबे के रब की कसम इस मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर इतनी बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, इस दुनिया में मलकुल मौत भी आपकी रूह उस वक्त तक नहीं कब्ज करेगा जब तक के मां बाप को सताने का अंजाम इस दुनिया में आप देख न लें, आप उस अंजाम को भुगत न लें, आपके साथ कोई बुरा मामला हो ना जाए, तब तक मौत आपको नहीं आ सकती है। कब्र की जमीन भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कब्र की जमीन में आप जा नहीं सकते जब तक कि अपने मां बाप को रुलाने का अंजाम इस दुनिया
दुनिया में देख ना लो, ये लॉ ऑफ फितरत है और शरीयत का कानून भी है। शरीयत रहम कर सकती है, लॉ ऑफ नेचर रहम नहीं करता है, नेचर है। अगर आप किसी की बहन के साथ जिना करोगे, समाज आपको माफ कर दे, मुआशरा आपको माफ कर दे, एक मीटिंग हो जाए, 25,000-50,000 का जुर्माना आपके ऊपर आयद कर दिया जाए, यह सब होगा और रफा दफा किया जा सकता है। आपने गुनाह से तौबा की, अल्लाह भी आपको माफ कर सकता है, लेकिन लॉ ऑफ नेचर आपको माफ नहीं करेगा। आपने किसी की बहन के साथ जिना किया है तो आपकी बहन को भी यह दिन देखना पड़ेगा। आपने किसी की बेटी के साथ जिना किया है तो आपकी बेटी को भी यह दिन देखना पड़ेगा। आपने किसी के बेटे या बेटी पर जुल्म किया है तो आपके बेटे और बेटी को भी यह दिन देखना पड़ेंगे। शरीयत रहम कर सकती है, कानून फितरत रहम करने के लिए तैयार नहीं है। शराब पियोगे तौबा करोगे, कानून शरीयत माफ कर सकती है। लॉ ऑफ नेचर यह है कि शराब पीने के बाद आप सेहतमंद रहें, आपके गुर्दे खराब ना हो, यह हो नहीं सकता। यह लॉ ऑफ नेचर है कि आपके गुर्दे खराब होंगे, शरीयत माफ कर सकती है। रब्बे अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करिए, इस्तिगफार करिए, गुनाह से माफी मांगिए, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन लॉ ऑफ नेचर आपको माफ नहीं करेगा। आपकी किडनी खराब होना है और होगी, आपको उसमें जो गलत तरीके से पैसा कमाया है वो खर्च करना पड़ेगा, डायलिसिस पे आपको जाना पड़ेगा, आपकी किडनी बर्बाद होगी। ऐसा हो नहीं सकता बीड़ी सिगरेट पीने के बाद और लाशरी और गुटखा और ये सारी हराम चीजें खाने के बाद आप सेहतमंद हो। आप इसकी तौबा करें, अल्लाह माफ कर सकता है, शरीयत माफ कर सकती है, लेकिन लॉ ऑफ नेचर आपको माफ नहीं करेगा। आपको इसका अंजाम अपनी तबीयत के खराब होने की शक्ल में भुगतना पड़ेगा, अपने फेफड़ों की खराबी की शक्ल में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है। माफ कीजिएगा, नेचर कभी माफ नहीं करता, लॉ ऑफ नेचर कानून फितरत माफ नहीं करता। बहुत ऊंची बात है, इसीलिए कुरान की इस आयत पर जरा तवज्जो दीजिएगा। इतनी बात काफी है जो मैंने कही है। आदमी सोचता नहीं है, सोचता है शराब पिए चलो तौबा कर ली है मुझे माफ हो, नहीं, शरीयत ने माफ कर दिया है, लेकिन एक चीज होती है फितरत माफ नहीं करेगी। ये लॉ ऑफ नेचर है कि ये जमीन किसी बदकार इंसान को माफ नहीं करती है, किसी जानी और बदचलन को माफ नहीं करती है। ये जमीन खून से पाक होना चाहती है और लॉ ऑफ नेचर ये है कि जमीन के ऊपर किसी की बहन और किसी की बेटी की इज्जत आबरू से खिलवाड़ ना किया जाए। ये जमीन किसी को माफ, लॉ ऑफ नेचर है, ये माफ नहीं करती है। और ऐसा करोगे तो ये जमीन खून से लालाजार होगी, ये जमीन पर खून बहाया जाएगा, ये जमीन फसाद से भर जाएगी, ये लॉ ऑफ नेचर है। इसलिए सबसे ज्यादा सख्त कानून इमाम कायनात ने इसी का बनाया है, सबसे ज्यादा सख्त कानून। अगर एक मर्डर करने वाले ने किसी का मर्डर किया है, उसको पकड़ो और उसकी भी गर्दन उड़ा दो, बहुत आसान सजा है। किसी ने कत्ल किया है, पकड़ो, उड़ा दो, गर्दन मार दो, एक झटके में गर्दन पे तलवार चली, गर्दन तन से जुदा, कोई तकलीफ नहीं है, गर्दन ही उड़ गई, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिना की सजा में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ नेचर, एक ऐसी फितरत है जिसका ख्याल शरीयत ने भी किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी किया है। इसलिए जानी और बलात्कारी और रेप करने वाले की सजा यह नहीं रखी कि उसकी गर्दन उड़ा दो, बल्कि यह रखा है कि उसको लड़का है तो उसको दौड़ा दौड़ाकर पत्थर से मारो। क्योंकि जिस वक्त किसी की बेटी और बहन के साथ खेल रहा था, उसके एक एक रुए को, एक एक रोंगटे को जो लुत्फ मिल रहा था, जो मजा और एंजॉय ले रहा था, तकलीफ भी ऐसी होनी चाहिए कि उसके एक एक रोंगटे को उसका एहसास हो, उसके बॉडी और जिस्म के हर पार्ट्स को उसकी तकलीफ का, दर्द का एहसास होना चाहिए। इसी लॉ ऑफ नेचर के तहत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सजा भी ये रखी है कि ऐसे इंसान को ऐसे मारा जाए कि उसकी पूरी बॉडी को दर्द का एहसास होना चाहिए। लॉ ऑफ नेचर का ख्याल अल्लाह के रसूल ने भी रखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा कहां से कमा रहे हैं। अगर आप सूद खा रहे हैं,
اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قانون شریعت معاف کر سکتی ہے، لیکن سود جو آپ نے کھایا ہے اور آپ کے سود کی جو رقم ہے وہ آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کو کھلائی ہے، تو لا آف نیچر ہے، حرام کا لقمہ کھانے کے بعد پھر آپ کا بچہ ابن تیمیہ نہیں بن سکتا ہے، ابن قیم نہیں بن سکتا ہے، ثناء اللہ امرسری نہیں بن سکتا ہے، امام مالک نہیں بن سکتا ہے، امام احمد ابن حنبل نہیں بن سکتا ہے۔ آپ اس بچے سے جس کی رگوں میں حرام کا خون آپ نے دوڑایا ہے، لا آف نیچر ہے، یہ قانون فطرت ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے باپ کو گالیاں دینے والا ہی پیدا ہوگا، یہ بڑے ہو کر اپنی ماں کو ستا سکتا ہے، کیونکہ اس کی رگوں میں آپ نے وہ خون نہیں دوڑایا ہے، اس کی رگوں میں آپ نے پرورش کا وہ خون نہیں جس کا اچھا اثر پڑے۔ یہ دن آپ کو دیکھنا پڑیں گے، اور اس کے لیے آپ تیار رہیے، کیونکہ قانون شریعت معاف کر سکتی ہے، لا آف نیچر ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں وہی جیے گا جو کرے گا، جو محنت کرے گا۔ اس دنیا میں جینے کا حق اسی کو ہے، یہ دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ جو پودے سست رفتاری سے بڑھتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں۔ آپ نظر ڈالیے، یہ لا آف نیچر ہے جو معاف نہیں کرتا ہے۔ کھیتوں پر نظر ڈالیے، جنگلوں پر نظر ڈالیے، جن پودوں کی نشو نما اچھی نہیں ہوتی اور سست رفتاری کے ساتھ بڑھتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں۔ وہی درخت زمین پر باقی رہتے ہیں جو فائدے مند ہوتے ہیں، اور جن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا ان درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں کام کرنے والے کی قدر کی جائے گی، محنت کرنے والے کی قدر کی جائے گی۔ اس دنیا میں جو محنت کرے گا وہی اس دنیا میں راج کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اگر سستی کی تو تم مارے جاؤ گے، کیونکہ دنیا سست انسان کو معاف نہیں کرتی ہے، یہ موت ہے اس کے لیے۔ آپ نظر ڈالیے، اس کائنات میں، اس دنیا میں وہی جانور زندہ ہیں جو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو دودھ دیتے ہیں، جو کھیت جوتتے ہیں، اور جن جانوروں سے کام نہیں لیا جاتا، جن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا دنیا